जाएगा दशक के बाद में आ रहा है। अब हमारे पास ये रूप आ गया शंभु प्लस राजदे, ये रूप आ गया, ये रूप आदि हमारे घोरी सूत्र काम कर रहा है। क्या कर रहा है? विषक रह के बाद में रह आता है, ढील रह है, ढील रह है, रह के बाद रह आता है, पहले वाले रह का हम क्या कर देते हैं लोप, क्या कर देंगे भाई लोप हो जाएगा। इससे पहले जो होते हैं क्या होते हैं वो ए ई उ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं ढील हो जाते हैं। यहाँ क्या आ रहा है रूप, क्या बनेगा शंभु राजदे, ये रूप है। कौन संधि है इसमें? लोप विषयक संधि। और देखिए उदाहरण, और उदाहरण देखिए कौन संधि हो जाएगी लोप विषयक संधि। समझ में आ रहा है? ऐसे जाने का आप सीधे जाने की बात हो, रे आता है तो विषयक से पहले रे आता है, ये विषयक के बाद में रे आता है, और विषयक के बाद में रे आता है तो विषयक का क्या बनेगा रे, तो रे के बाद में ये भी क्या था रे था, हो गए यहाँ। तो विषयक के बाद में रे आता है, रे आता है तो पीछे वाले सूत्र लग जाएगा विषयक का रे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, विषयक का हमने रे बना दिया, ये हो गया विषयक का रे बन गया। विषयक का रे मतलब रे के बाद में रे आता है, सूत्र लग गए रोली वाला, इसका हम लोप कर देते, इससे पहले ए होते हैं वो ढीक हो जाता है, ए का आ ई का बड़ी छोटा होता बड़ा। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा शंभु राजदे, और उदाहरण देखिए ऐसे जैसे हमने लिखा हरि रम्य, ये रूप लिख दिया। देखो इसका संधि विच्छेद हरि प्लस रम्य है, ये हो गया। किसी ने पूछा कि हरि प्लस रम्य ये लिख दिया आपने संधि विच्छेद किया, तो बड़ी मात्रा कहाँ से आ गई? आप कहेंगे उससे कि विषयक से पहले ए को छोड़ करके स्वर आ रहा है ई, इसके बाद में रे आ रहा है। हमारे विषयक संधि में तो विषयक संधि का सूत्र इच्छावासी सूत्र ने कहा विषयक से पहले ए को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, और विषयक के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है यह मेरे लेने से कोई सभी बनाता है, विषयक का रे बन जाता है। जैसे हमने लिखा ये रे बना दिया हमने आता है प्लस रंग में, अब ये आने के बाद हमारा रोगी सूत्र काम करता है, रोगी सूत्र कहता है रे के बाद में रे आता है तो पहले वाले रे का हम लोप कर देते हैं, इससे पहले ए ई वो होते हैं वो क्या हो जाते हैं धी हो जाते हैं, तो रूप हमारा बन जाएगा हरि रम्य। जैसे मैंने लिखा नीरज, ध्यान देना इसका भी संधि क्षेत्र नी प्लस रस, संधि क्षेत्र यही होता है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए आपने कहा कि नी कहाँ से आई बड़ी मात्रा कैसे हुई है, तो आप करेंगे नी रे कहाँ से आया रे ईश्वासी सूत्र से आया नी प्लस रस, ये आने के बाद में रोगी सूत्र काम कर रहा है, रे के बाद में रे आ रहा है, पहले वाले रे का पूर्ववर्ती रे का लोप हो जाता है, इससे पहले जो होते हैं वो ढीक हो जाते हैं, रूप बन जाएगा नीरज, ये ढीक कर दूसरे ये नीरज। जैसे हमने लिखा पुनः प्लस रमते, लिख दिया क्या बनेगा बताओ, ये सबसे पहले है इसके बाद में रे आ रहा है, क्या रूप बनेगा अव्ययपद है, अव्ययपद है तो क्या हो जाएगी वही हमारे अव्ययपद आता है तो रूप तो संधि होती है, इससे कर रहे बना पुनर्बन गया लसनांते आ गया हो गया। अब आप देखो रह आने के बाद में क्या हो गया, रह के बाद रह आता है इसका लो, इससे पहले जो होते हैं धीम हो जाते हैं यहाँ, तो आ रहा है तो क्या बन जाएगा पुनः, रूप क्या बन जाएगा पुनरमते, ठीक है। जैसे हमने लिखा अंत प्लस राष्ट्रीय, क्या बनेगा इसका अंता राष्ट्रीय, बानू प्लस राजदे, क्या बनेगा बड़ा हो जाएगा बानू राजदे। ये हमारे कौन से संधि के थे लोप विषयक संधि के थे, कौन सी है ये लोप विषयक संधि के उदाहरण है जो रोरी सूत्र से है। और एक बार बता देता हूँ रोरी का मतलब होता है रह के बाद में रह आता है, पहले वाले रह का लोप कर देते हैं, पूर्ववर्ती रह का लोप कर देते हैं, उससे पहले ए ई वो होते हैं वो क्या हो जाते हैं धीक हो जाते हैं, धीक हो जाते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, क्या लिखा शंभु राजदे, शंभु प्लस राजदे हैं, नीरज है, नीरव है,
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, पुनरमते हैं, इसी के उदाहरण हैं, भानु राजते हैं, हरि रम्य हैं, तो इसी के उदाहरण हैं ये। तो ये ध्यान रखने की बात है, विषय के पहले क्या हो, रह हो और बाद में भी रह हो, तो हम क्या कर देंगे, पहले वाले रह का लोप कर देते हैं, उससे पहले ऐ होते हैं भी हो जाते हैं। इसके बाद में अगली संधि हमारी पूरी हो गई। मैं आपको टेस्ट के लिए कुछ उदाहरण भेजूंगा, उन उदाहरणों का आप कॉपी में हल कर लेंगे। कोई भी दिक्कत आती है अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करने से पहले उससे संबंधित आप जानकारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ उदाहरणों का है पेज में, पूरा भेजूंगा उसको, आप बिल्कुल आराम से उसमें से कर सकते हैं। आंसर नहीं है उसमें, आंसर मैंने पढ़ा दिए, आप खुद ही करेंगे। नहीं आ रहा ऐसा कोई उदाहरण लग रहा है आपको, आप उसमें से आप पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, आज का इतना ही।